हाँ, तो आज आपको हमने तकलीफ इसलिए दी कि हम आपके मीडियम से लोगों को कुछ नई स्कीम का बताना चाहते हैं। पहली जो इम्पोर्टेंट स्कीम है अभी ट्राइबल्स के बारे में आई हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें एक बड़ा प्रोग्राम भी 15th को होगा, वो भी हम आपको डिटेल शेयर करेंगे जब वो प्रोग्राम होगा। तो उसमें जो ट्राइबल हमारे हैं सारे विलेजेस, जहाँ पे पॉपुलेशन इस विलेज में 500 ट्राइबल्स है और वो विलेज 50% से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेटेड है, तो उनके लिए ये आया है कि वहाँ पे हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट की हर कोई स्कीम को सैचुरेट करना है। मतलब कि अगर किसी के पास पक्का हाउस नहीं है तो हम उसको अलग से बजट लेंगे ट्राइबल डिपार्टमेंट से। अगर वहाँ पे जो सूर्यागर फ्री बिजली का वहाँ पे कोई इंटरवेंशन नहीं है वो करवानी है, अगर किसी के पास पानी का कनेक्शन नहीं है वो करवाना है, अगर वहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर नहीं है वो करवाना है। तो 25 जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जो मेजर स्कीम्स रन करते हैं पब्लिक के लिए, तो वो 25 स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें बताया है कि इसमें आप देख लीजिए कि जो आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन है जहाँ पे, जो मैंने आपको पहले ही नाम बता दी, तो उसमें हमने पूरी एक्सरसाइज की है। तो शुपिया में हमारे 14 ऐसे ट्राइबल विलेजेस हैं जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन 500 से ज़्यादा है और वो 50% ऑफ द विलेज पॉपुलेशन से ज़्यादा है। उससे पहले ही हमने ये जो एक इकलाविया मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हम चाहते थे कि शुपियान में हो, यहाँ पे जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, वो हमने ऑलरेडी प्रपोजल भेजा हुआ है। हालांकि हम उस क्राइटेरिया में आते नहीं हैं कि उस ब्लॉक में हमारी 20,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन हमने उसको एक केस बना दिया है बिकॉज शुपियान फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स यहाँ पे जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो तहसील्स क्रिएट की गई, ब्लॉक्स क्रिएट किए गए, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन डिप्राइव नहीं हो, ना हो उस फैसिलिटी से। प्लस साइमल्टेनियसली हमने जो ट्राइबल हॉस्टल है उसका रेनोवेशन के लिए फंड्स मांगे हुए हैं। प्लस यहाँ पे एक हम चाहते हैं कि जो ट्राइबल हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उनके लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर बने, जिससे जहाँ से शुपियन का जो प्रोडक्ट है ट्राइबल प्रोडक्ट वो बड़ी बड़ी मंडियों में पहुँचे। दिस इज अबाउट द ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। इसके साथ ही कुछ और स्कीम्स आई हैं जो परसों अनाउंस हुआ है, PMAY 2। PMAY 2 में वही गाइडलाइन है कि जिसका कच्चा हाउस है और वो म्यूनिसिपल लिमिट्स ऑफ शुपियन का रहने वाला है और वो रह गया है, तो वो आप पोर्टल दोबारा से खुला है, ही कैन अप्लाई ऑन दैट। उसमें तीन कैटेगरीज हैं, EWS है, MIG है और जो लोअर मिडल इनकम में आते हैं तो उनके लिए वो स्कीम है। दे हैव टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन द पोर्टल और उनको PMAY के तहत फंडिंग होगी डिफरेंट स्टेजेस पे जब तक वो अपना मकान बना ले, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ जो हमारा रेगुलर फिनमिना है इसमें वो लोग आएंगे कि जिनकी 3 लाख तक पॉपुलेशन है या जो हायर स्टैंडर्ड्स उन्होंने फिक्स किए हैं, तो वो भी अब पोर्टल ओपन हो चुका है। उसमें हमारा म्यूनिसपैलिटी जो है वो नोडल एजेंसी है, तो वहाँ पे जो हमारे SLTCs या CLTCs जो लगे हुए हैं दे विल बी फैसिलिटेटिंग इट। तो उसके लिए भी हमने आपको बुलाया कि लोगों को पता चले जिनके पास अपना मकान नहीं है या जो एक लाइफ की एक ये स्टेज भी आ जाती है कि हम घर में एक छत के नीचे रह नहीं पाएंगे, अलग होना है, तो कोई ऐसा अडल्ट जो अपनी फैमिली के साथ अलग होना चाहता हो और उसके पास उसको विरासत में कुछ ज़मीन मिलती है लेकिन उसकी इनकम कम है, वो मकान बनाना चाहता है अलग से, उसके लिए शुपियान की म्यूनसिपैलिटी में जो भी होंगे उनको ये फैसिलिटी मिलेगी, वो उसमें अपलोडिंग अपना डॉक्यूमेंट करेंगे, दे विल बी टेकन एज ए यूनिट।